बोल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। अब सच देखेगा इंडिया। खबर है मध्य प्रदेश से, सिवनी जिले की कानीवाड़ी से। दुर्गा उत्सव पर्व पर दशहरा बड़े धूमधाम से कानीवाड़ी में मनाया गया। बाजार चौक में क्षेत्र के सभी लोग महा आरती की पूजा करने एकत्रित हर साल की तरह इस साल भी इकट्ठा हुए। लगभग 17 सालों से यह दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। सभी स्थानों की दुर्गा प्रतिमा दशहरा मैदान में इकट्ठा होती है, जहां महा आरती की जाती है। मंच पर ओम शांति ओम ब्रह्म कुमारी आश्रम द्वारा झांकियां एवं नाटक प्रस्तुत किया गया। हमारे सुंदर संवाददाता ने बात की ओम शांति ओम ब्रह्म कुमारी आश्रम की मोनिका दीदी एवं महावीर व्यायामशाला के संचालक सुकेश सोनी से। बोल इंडिया न्यूज के लिए कानीवाड़ी से अजीज बाबा रहमान की रिपोर्ट। अच्छा, मैं अजीज भाई, क्या आप इसका संदेश क्या पहुंचाए? हमारे ग्राम कानीवाड़ा में लगभग ये 20 वर्षों से किया जा रहा है दशहरा पर्व। इसके पहले भी करते थे हमारे बुजुर्ग, हमारे सियाने। बीच में किन्हीं कारणों से बंद हो गया था या अल्प मात्रा में हो रहा था, कम मात्रा में हो रहा था, और उसको हमारे पूरे कानीवाड़ा के जितने मंडल हैं, उनके पंडाल हैं, उनने सबने मिलकर पूरी मेहनत की है। और उस मेहनत का ये नतीजा आप देख रहे हैं कि यहाँ भरी पूरी जनता और हनुमान जी की कृपा से, माता रानी की कृपा से ये कार्यक्रम सफल बनाया जा रहा है। इसमें किसी एक पंडाल का नहीं, समूचे कानीवाड़ा का, सभी जाति समुदाय, सभी धर्म के लोगों का सहयोग होता है इसमें। और बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे ग्राम में आगे भी हमारी नई पीढ़ी इस कार्यक्रम को ऐसे ही शांतिपूर्ण ढंग से वैसे चलाते रहे। धन्यवाद। क्योंकि मूल्य निष्ठ समाज की स्थापना करने ही सत्यता का धर्म है और हर एक को अपनी सत्यता की पहचान देती है। हम झांकी इसलिए रखते हैं सभी देवियों की कि मनुष्य उनके जीवन को देखकर अपने जीवन में भी देखे क्या उनके जैसे गुण हमारे जीवन में है। यदि उनके जैसे गुण हमारे जीवन में आ जाए तो सदैव सुख शांति हमारे जीवन में हो सकती है। तो इसी उत्सव के साथ आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। ऐसे ही आप प्रोग्राम करते रहें। अच्छा लगा आपके कानीवाड़ा में ये सारा संगठन देखकर।